दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है जो कि अब हो चुकी है 8 महीने की और वो बहुत ही प्यारी है। जैसा कि बच्चे सब प्यारे ही होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि सही समय कौन सा है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए, तो इसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेगनेंसी हम जल्दी कैसे कंसीव कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको 2 ऐसे योगासन भी बताऊंगी जिनके अभ्यास से जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएंगे और अच्छी तरीके से आपको पूरी हेल्प मिल पाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से वीडियो को समझना है। तो दोस्तों, मैंने सबसे जैसे कि आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा सही समय होता है जब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीरियड साइकिल होता है वो हमारा नॉर्मली 28 से लेकर 30 दिन के बीच का होता है। तो जब पहला पीरियड का दिन आता है, उस दिन हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, यानी तैयार होना शुरू हो जाती है कि हम अपनी आगे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। पीरियड के पहले दिन में हमारा जो एग होता है वो बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब पीरियड के 12 से लेकर 14 दिन हो जाते हैं, यानी मिड टाइम होता है, बीच का समय होता है, उस समय जो एग होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं वो पूरा फुल साइज में बड़ा हो जाता है, जिसका साइज होता है 20 mm। फिर जब 12 से 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो जो एग होता है यानी फॉलिकल, वो रप्चर यानी फट जाता है और वह छोटे छोटे अंडों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वही आइडल टाइम होता है ओव्यूलेशन पीरियड का। ओव्यूलेशन पीरियड यानी जिस टाइम पर हम रिलेशन बनाते हैं जब हम इजीली प्रेग्नेंट हो सकें। 12 से लेकर 14 दिन के बाद जब एग हमारा रिलीज होना शुरू हो जाता है यानी ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है, उस समय जो एग का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो 120 mm माइक्रोन, मतलब सबसे छोटा साइज 120 माइक्रोन साइज का हो जाता है, और वही सही टाइम होता है कंसीव का। और सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आपको ये चीज अच्छे से समझना है कि किस समय हमें रिलेशन बनाना चाहिए। तो गाइस, जब आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद 11वें दिन से लेकर 20 दिन के बीच में आपको अल्टरनेट डेज में यानी एक दिन छोड़कर आपको रिलेशन बनाने हैं, वो एकदम परफेक्ट टाइम होता है जब आप कंसीव कर पाएंगे। उसके आगे करने से यानी आगे के समय में करने से और पीछे के समय में करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, उस दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। यही सही समय होता है जब हमारा 11 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में जब हम ओव्यूलेशन हमारा अच्छे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो ईजिली आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको ऑल्टरनेट डेज में करना है, यानी जब आप 11वें दिन से शुरू कर रहे हैं तो 12वें दिन आपको नहीं करना है, फिर 13वें दिन करना है, फिर 14वें दिन नहीं करना है। इस तरीके से आपको 11 से लेकर 20 दिन के बीच में अपना रिलेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको अच्छे से करनी है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर 2 ऐसे योगासन बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी कंसीव करने के लिए। सबसे पहला आसन का नाम है हमारा बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन के लिए हमें सिंपली अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से क्रॉस करते हुए अपने पैल्विक एरिया के पास लेके आना है। इस तरीके से रख लेंगे, अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से पकड़ लेंगे। आपका जो बैक का अलाइन है वो एकदम, मेरुदंड एकदम सीधी रहनी चाहिए। बॉडी को अगर आप झुका के चलेंगे तो आसन करने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके अपनी कमर गर्दन को एकदम आपको सीधा रखना है। अब यहीं से अपने पूरे लेग को स्ट्रेच करते हुए कोशिश करेंगे पूरा मैट से टच करने की। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इजीली अपना जो आपके लेग्स हैं वो नीचे नहीं जा पाते हैं, और फिर उनका मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा अच्छे से लेग्स पूरा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती है, जब एक टाइम आ जाता है यानी डेली जब आप अभ्यास करते हैं तो ईजिली आप इस तरीके से अपने लेग्स को स्ट्रेट कर पाएंगे और ज़मीन पर टच कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम आप 10 दिन तक इस तरीके से करेंगे तो ईजिली आपके लेग्स आपके मैट पर टच हो पाएंगे। तो अब यहीं से कमर गर्दन सीधे रखते हुए श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए फॉरवर्ड इस तरीके से आपको आगे आना है, और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकेंड तक।
इसे हम बोलते हैं बद्धे कोण आसन यानी तितली आसन का अभ्यास भी इसे कहा जाता है। फिर धीरे से वापस आते हुए अब यहीं से अपने दोनों लेग्स को ऊपर नीचे इस तरीके से आपको चलाते हुए आना है। शुरुआती में आपको धीरे धीरे करना है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फास्ट करना है, सीधे सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको करना है। जब हम इस तरीके से बटरफ्लाई यानी तितली आसन, जिसे बद्धे कोण आसन भी कहा जाता है, इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारे पैल्विक पार्ट पे आता है, जहाँ पर होता है हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं यानी जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और वहीं से आप इजिली कंसीव भी कर पाते हैं। और इसी तरीके से आपको शेक करना है कम से कम 1 मिनट तक। पहले आपको 20 सेकंड होल्डिंग में जाना है आगे की तरफ, उसके बाद फिर वापस आते हुए इस तरीके से आपको शेक करना है कम से कम 1 मिनट तक, और इसी का अभ्यास आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो चलिए अब यहीं से दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा मलासन का। मलासन बहुत ही सिंपल आसन है और साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। मलासन के लिए आपको सिंपली दोनों लेग्स को पीछे की तरफ बैंड करते हुए इस तरीके से हाथों के बल से आ जाना है पोजीशन लेते हुए। मलासन की जो पोजीशन होती है उसे स्क्वाट पोजीशन भी कहते हैं, और जैसे आप इंडियन टॉयलेट पर बैठते हैं उसी तरीके से आपको बैठना होता है। इससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी अच्छा बना रहता है और साथ साथ में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पैरों को खोलते हुए जितना हो सके लेग्स को ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहीं से दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लगाएंगे, पूरी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखना है आपको इस तरीके से। बॉडी को ऐसे आगे नहीं झुकाना है, जितना हो सके सीधा रखेंगे और यहीं पर स्ट्रेच करते हुए आपको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड तक। सांसों को लंबा और गहरा बनाना है आपको, और आँखें आपकी बंद रहनी चाहिए। आपको पूरा अपने अभ्यास में जाना है, पूरा फोकस लगाना है अपने आसन पर। 30 सेकेंड तक आपको इसी तरीके से बने रहना है और इसी तरीके से आपको 5 बार इसका अभ्यास करना है। सो गाइस, कंसीव करने के लिए यानी बेबी प्लान करने के लिए जितना आपको सही डेट का पता होना चाहिए उतना ही ज़रूरी हमारे लिए योगासन और एक्सरसाइज भी होती है। तो दोनों का जब मिलन होता है यानी दोनों की जब एडवांटेज आप लेते हैं तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि बेबी भी हेल्दी होता है। हाँ जी, अगर आप योग कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत असर आपके बेबी पर भी पड़ता है और आपका बेबी भी हेल्दी पैदा होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोज़ के थ्रू आप तक ईजिली पहुँचते रहे। तो दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।